जो भी समय लंदन में सुन रहे हैं उनको विशेष जानकारी दे दूं, ये बताते हुए मुझे अत्यंत और अत्यंत दुख हो रहा है, क्योंकि जिसकी तैयारी हम पिछले 3 महीने से कर रहे थे और अभी तक कार्यक्रम सुनिश्चित था, लेकिन किसी कारणवश कुछ ऐसी समस्या है कि जिसको हम आप तक साझा नहीं कर सकते अभी, और उसके कारण जो कल से कथा होने वाली थी लंदन में उसको ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि उसको हमने अब आगे बढ़ा दिया है और इस डेट में यानी कल से वो कथा लंदन में नहीं होगी। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं पहले तो प्रार्थना करें ठाकुर प्रियाकांत जी से कि बहुत शीघ्र हम अगली डेट आप तक साझा कर सकें, और क्योंकि जब व्यक्ति नई जगह पर नए शहर में नए देश में कुछ प्रयास बड़ा करना चाहता है तो ऐसी कठिनाई आती हैं, लेकिन उस कठिनाई को भी हम लोग अच्छे से निभा सकें और आप सबका पुनः प्यार प्राप्त कर सकें और पुनः जो भागवत कथा से आपको वंचित रहना पड़ा है इस बार उसको और अच्छे से कर सकें, तो उसकी जानकारी बहुत जल्दी आप सबको देंगे। और जिनको नहीं पता है, क्योंकि जो मुझे अभी भी मैं लंदन में बात कर रहा था तो कितने लोगों के पास फोन आ रहे हैं, लगभग बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति वहाँ पर होने जा रही थी और बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं हो पा रहा है। तो आप सब और लोगों को भी बताएं और शीघ्र से शीघ्र अगली नेक्स्ट डेट की हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे, बहुत जल्दी जानकारी देंगे और आप पुनः उसी विश्वास से उसी तरीके से आप आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबको हुई दिक्कत क्योंकि कई लोग पेरिस से अलग अलग देशों से लोग कम से कम 200-250 फैमिली वहाँ आ रही थी जिनकी टिकट वगैरह सब बन चुकी हैं, जो लोग वहाँ पर अपना होटल बुकिंग सब कुछ कर चुके हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर बस क्षमा ही चाहूँगा क्योंकि इस समय मेरे पास शब्द नहीं है आपके उस विश्वास के लिए और आपके उस प्यार के लिए। लेकिन जो भी चीज़ें हुई हैं आप लोग उसको पुनः अपने इस संस्था को आगे बढ़ाने में आगे बढ़ाएंगे और आगे इसी तरीके से जब अगली डेट अनाउंस होगी तो समय पर आप लोग पधारेंगे। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, राधे राधे।